देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे दिया गया है 287 मल्टीप्लाई बाय 287 प्लस 269 मल्टीप्लाई बाय 269 माइनस हमें क्या करना है 2 मल्टीप्लाई 287 मल्टीप्लाई बाय 269। ठीक है, सो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको पता हो तो एक जो मैथ्स का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से ए माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। ठीक है, ये जो है ये इस तरह से ही कुछ है 287 स्क्वायर 287 मल्टीप्लाई बाय 287 सो 28 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 269 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 दे दिया गया और इन दोनों का मल्टीप्लाई है। ठीक है, 287 मल्टीप्लाई बाय 269। ठीक है, सेम देखिए यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा ए स्क्वायर, सो इसे हम मान लेते हैं ए स्क्वायर और ये जो है बी स्क्वायर, अरे 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या दिया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम ए और बी को माइनस कर लेते, सो इज इक्वल टू हम इस तरह से लिख सकते हैं 287 माइनस 269 अब इसका स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, सो 287 माइनस 269। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पे 10, सो यहाँ पर 8, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 0, सो हमें क्या करना है 18 का स्क्वायर करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्क्वायर किस तरह से करते हैं वो मैंने आपको इसका शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाल दिया, फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक बार करके दिखा दूँ। इसका जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 324। ठीक है, मैं इसका स्क्वायर करके दिखाता हूँ आपको शॉर्ट किस तरह से आपको करना है। 8 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 64 एंड जो 1 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है 1 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय हमें करना है 2। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे 16 को जो है वो हम ऐड कर देंगे, सो यहाँ पे 4 यहाँ पे 6 प्लस 6 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 एंड यहाँ पर हो जाएगा एंड 3, सो 324 जो है वो इन दोनों का 18 का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने स्क्वायर का जो शॉर्ट ट्रिक है वो वीडियो भी मैंने डाल दिया, आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है।